बहुत बढ़िया भाई, लग गई। तो बिल्लो रानी को लेकर हम पंचगांव पहुंच चुके हैं। मैं सीरियसली बता रहा हूं गाइस, इस बाइक को चलाने के बाद ना अपनी आरआर का तो क्रैश हो गया, बहुत खतरनाक वाला एक्सीडेंट हुआ था। मेरे को भी दहली में एक मीटअप रखना है बाइकर्स का। तो मैं गया था संडे राइड पर, मैंने एक ही संडे राइड पर दो व्लॉग बना दिए, तो एक व्लॉग तो मैंने अपलोड कर दिया था, ये सेकंड व्लॉग है। तो आप पहले व्लॉग को देखो, बहुत मजा आने वाला है लिटरली। मेरे को ना आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, वीडियो के एंड में करूंगा। तो जब अपनी तरह राइड करने वाले बंदे मिल जाते हैं तो मजा ही कुछ और आता है। तो वापस से हम वहीं पे आ चुके हैं, सस्ती दुबई। व्हीली पॉप करो, व्हीली। बहुत बढ़िया भाई। ओ भाई, क्या लीन कराई जा रही है बाइक। भाई मैं तो इसकी ब्रेकिंग पे फिदा हो गया। जो अपनी कंचना है ना RR 310, भाई उसकी ब्रेकिंग तो कुछ भी नहीं है यार इसके सामने। मुझे लग रहा है अब उसके ब्रेक चेंज कराने पड़ेंगे। ओए होए, अरे भाई मिडल फिंगर मत दिखा, रोड रेज हो जाएगी। क्या बात है, अपनी बसंती पर मिली। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा पंचगांव, थोड़ा सा हम राइडर्स पैराडाइज होके आ गए। लग गई। संडे का दिन राइडर्स के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होता है, जैसे सब इंजॉय करते हैं, सब अपनी बाइक से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत तरीके से चलाते हैं। ये जो बंदा है ना 390 वाला, भाई कोई भी मिल जाए उसके साथ रेस लगाने लग जाते हैं। ओ भाई, कैसे निकाली जा रही है। तो फाइनली अब थोड़ा अपना हाथ सा बैठ गया इस वाली बाइक पे। चेक करो भाई, चेक करो, चेक करो, कटिंग चेक करो भाई की। यार यहाँ पे थोड़ी सी मार खा जाता हूँ मैं कर्व पे। ओह भाई, प्रिंस भाई भी आते हुए, मतलब 250 से 390 को पीछे कर दिया यार। इसका थोड़ा ना ब्रेक लीवर टूट रहा है, देख रहे हो, ब्रेक लीवर थोड़ा सा टूटा हुआ है, तो इधर से ब्रेक मारने पड़ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर संडे राइड पे मजा आता है, नहीं नहीं नहीं। अब मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर सुपर बाइक हाथों में आ जाए फिर क्या होगा। जब 400 सीसी की बाइक का ये हाल कर दिया, एकदम बारीक सी बाइक है, कहीं से भी निकाल लो, बस आपको निकालनी आनी चाहिए। तो यहाँ पे आते हैं टोल और यहाँ पे हम अपनी बाइक को चेंज कर लेंगे। मैं वापस से बसंती पर आ जाऊंगा भाई, ये बहुत ज्यादा पावरफुल मशीन है, मुझे डर सा लग रहा है थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे भी भाई हमने राइड करी है बहुत पहले। कहाँ पे है भाई ये पंचगांव, कहाँ पे है? आ गई पावर, आ गई पावर, आ गई। मैंने कहा था ना कि इस बंदे को ना कभी कभी करंट लग जाता है। लिटरली भाई मजा आ गया इस बाइक को चलाने के बाद। तो चलो, ओ ये बाइक भी काफी ह्यूज लग रही है यार। यहां से नहीं निकल पाएगी भाई, ऐसा रिस्क मैं बिल्कुल नहीं लेने वाला। मैं थोड़ा धीरे धीरे चल लूंगा, इधर से निकाल लूंगा बट। तो फाइनली बिल्लो रानी को, आमिर माजिद की बाइक का नाम है बिल्लो रानी, तो मैं इसको चला रहा हूँ तो बिल्लो रानी याद आ रहा है। तो बिल्लो रानी को लेकर हम पंचगांव पहुंच चुके हैं, तो आज से RC 390 का नाम बिल्लो रानी रख देते हैं। और भी सारे बाइकर्स आने वाले जो साथ में थे, तो ये पंचगांव है ना, यहाँ पे बहुत सारे बाइकर्स आते हैं। देखो वहाँ पे लिखा हुआ है प्राउडली देसी, तो हम भी तो देसी है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ गाइज, इस बाइक को चलाने के बाद ना क्या बताऊँ भाई, खतरनाक फीलिंग आ रही है भाई, मजा आ गया कसम से। मतलब पीछे फेंक देती है बंदे को। 15 मिनट का खड़ा हो यहाँ पे।
है। मैं सोच रहा हूँ पीछे आओगे तो भाई 250 पे हमारे से पहले पहुंच गए, देख रहे हो। तो आज का लाइनअप हमारा यहाँ पे रहने वाला है। अरे भाई खतरनाक यार, इसके एग्जॉस्ट में क्या करवा रखा है? आवाज बढ़िया आ रही है, आवाज सही आ रही है। तो गाइस इसका ना डीबी किलर निकला हुआ है। तो भाई यहाँ पे गुरमन भाई स्टंट करने वाले हैं अपनी, उनको बिठा के अच्छा रील बना रहे हैं। तो फाइनली निकलने का टाइम हो चुका है, पंचगांव को बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है। और ये रहे अपने सारे भाई, आज ना राइड करने में काफी मजा आया और मैंने आपको स्टंट भी दिखाया थोड़े बहुत जो गुरमन भाई ने करे थे जन्नत जी के साथ, वो भी उनके साथ आई हुई थी। तो मतलब मैं उनको वीडियोस में देखता था काफी बड़ी सी लगती थी, आज रियल में देखा भाई छोटी सी बच्ची सी, मतलब समझ जाओ जितना वीडियो में बड़ी लगती है ना उतनी बड़ी तो नहीं है वो। और भाई बाइक का टैंक फुल कराया था, खत्म हो गया। अब देखो भाई सारे के सारे मजे मजे में जाएंगे, तो सारे के सारे राइडर्स निकलने के लिए तैयार। कोई पता नहीं किधर को जाएगा, कोई किधर को जाएगा, मैं और डिम्पल साथ जाने वाले हैं। बाय बाय पंचगांव, मजा आया भाई यहाँ पे आकर। क्या बात है भाई, हमारे ग्रुप की एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी भाई, सारे के सारे बंदे राइडिंग गियर्स के साथ आते हैं। बन जा तू मेरी रानी, चलो चलो चलो। तो ये रही वो RC 390 जिसको मैंने चलाई थी, मिलते हैं बाद में। ये बंदा फिर सबसे आगे जाने वाला है, मैं पक्का बता रहा हूँ। इस बंदे को पीछे करने वाला कोई नहीं है भाई, पावरफुल बाइक है ना भाई। ड्यूक भी मतलब खतरनाक भाई है यार, ऐसे ऐसे कट मारते से पता भी नहीं चलता, वैसे निकल जाती है छोटी सी जगह में को भी निकल जाती है भाई। तो अभी मैं द्वारका जाने वाला हूँ डिंपल भाई के साथ, बिकॉज उनको एक वीडियो बनाने। मैंने इस बाइक को 10,000 किलोमीटर चला ली, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, वो वीडियो राइड टू प्राइड चैनल पर ही आएगा। और आगे जा रही है कंचना RR 310, ये ओल्ड मॉडल है, BMW का लोगो लगवा रखा है। मैंने तो RR को पूरी BMW बनवा दी थी, बट क्या करे यार लोगों की नजर लग गई। वाओ हाय बाय, बच्चे फुल मजे ले रहे हैं भाई पापा की कार में। तो फिर से हमारा ग्रुप रोड पे तहलका मचाता हुआ, आजा साथ मेरे तू कर ले पे थोड़ा सा रोमांस। RR 310 भाई 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 कहाँ चल रहे हैं? ये ट्रक चेक करो भाई, कितना बड़ा ट्रक है वो, कैमरे में आ रहा है कि नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन बहुत बड़ा ट्रक है। यहाँ तक वो लोग देखने के लिए थैंक यू गाइस। इसके बाद मैंने रिकॉर्ड करा बट वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, और उसके बाद जब एडिटिंग करने बैठते हैं ना लिटरली खून फूक जाता है जब ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होता। तो वो लोग तो हमारा खत्म हो गया बाइक वाला, अब मेरी शक्ल देखो 2-4 मिनट के लिए। आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि भाई आपको व्लॉग्स बढ़िया लग रहे हैं ना बसंती पर, क्योंकि कुछ दिनों के लिए बसंती पर ही व्लॉग्स आने वाले हैं। अपनी RR का तो क्रैश हो गया, बहुत खतरनाक वाला एक्सीडेंट हुआ था, उसका वीडियो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। बाकी आप लोग यार इस वाले चैनल पर प्यार दो, आप 100K कराओ यार, एक और यहाँ पे सिल्वर प्ले बटन लगवा दो। ट्रस्ट मी गाइस, मैं अपना 100% दे रहा हूँ व्लॉग बनाने के लिए, बस मेरे को ना आप लोगों का प्यार चाहिए। अब मेरे को भी दिल्ली में एक मीटअप रखना है बाइकर्स का, और मेरे को उम्मीद है कि भाई आप बहुत जल्द 100K सब्सक्राइबर्स करा दोगे। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपको बसंती पर व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं या नहीं। आपको मेरा व्लॉग देखने के बाद कोई भी सजेशन देना होता है बस कमेंट कर लिया करो, मैं पूरा किसी बात का नहीं मानूंगा, आपको जो भी कहना खुल के बोलो कमेंट सेक्शन में। तो इस व्लॉग को यही पर एंड करते हैं, आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। तो मैं आपसे मिलता हूं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें एंड बाय बाय।